नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं एक मुर्गी फार्म पे। तो यहाँ पे जो मुर्गी पालन की गई है, मैं मुर्गी पालन के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ कि मुर्गी पालन की शुरुआत कैसे करना चाहिए। मुर्गी पालन की शुरुआत बहुत से लोग करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत से लोगों की मुर्गी पालन जो है बंद पड़ी रहती है। इसका कारण ये होता है कि उनको सही तरीका नहीं पता होता मुर्गी पालन करने का। मुर्गी पालन करते समय आपको बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है, तभी आप मुर्गी फार्म को अच्छे से चला सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप लापरवाही की तरह मुर्गी पालन करेंगे तो आपका जो मुर्गी पालन है वो फ्लॉप हो जाएगा धीरे धीरे, और आप मुर्गी पालन से उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये जो मुर्गी फार्म है, इसको बनाने में 3 लाख रुपये तक का जो है खर्च आया। ये भारत सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, इसको लेकर के ये बनवाया गया है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है मुर्गी पालन की गई है मुर्गी फार्म में। तो ये यहाँ जो संख्या है मुर्गियों की, ये 2000 रखी गई है। इसमें जो बच्चे थे, चूजे थे, वो 2000 ला करके रखे गए थे। इसमें से जो है कुछ चूजे मर जाते हैं, बीमारियाँ बहुत सी होती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से चूजे कुछ मर जाते हैं, कुछ बचते हैं। इसकी देख रेख भी की जाती है समय से, रोज डॉक्टर आते हैं डेली, और इसमें जो मुर्गियाँ मरी पड़ी रहती हैं उनका जो है चेकअप करते हैं। उसके बाद पता करते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी बीमारी की वजह से ये मुर्गियां मर रही हैं। सभी मुर्गी फार्म पे वो डेली जाते हैं और चेक करते हैं कौन सी मुर्गी में कौन सी बीमारी आ रही है, इसकी देख रेख वो करते हैं। इसमें एक मुर्गियों में एक बीमारी लगती है खेतरानी, ये काफ़ी नुकसान करती है मुर्गी पालन में। और इसमें जो है अगर टेम्परेचर का मेंटेनेंस नहीं किया गया तो भी जो है मुर्गियाँ मरती हैं। सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ जो है गर्मी के मौसम में मरती हैं। गर्मी में मुर्गियों को मरने से बचाने के लिए जो ऊपर का टीन होता है उसमें पुआल रखा जाता है। पुआल रख करके उसको जो है ठंडा बनाया जाता है उस एरिए को, ताकि बहुत अधिक गर्मी ना हो। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये जो है मरती हैं। मुर्गी फार्म पे जब आप मुर्गी डाल देते हैं मुर्गी फार्म में, तो आपको इसका जो बिछावन है वो हमेशा बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। 8 से 10 दिन पे आप इसका बिछावन बदल सकते हैं। और बदलने के लिए आपको करना क्या होता है कि सभी मुर्गियों को एक तरफ अलग कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बिछावन को अलग करके जो है फिर से नया बिछावन डाला जाता है। बिछावन बदलने से जो है इसमें बीमारियां कम आती हैं। अगर बिछावन एक ही बिछावन बार बार यूज करेंगे तो उसमें जो है मुर्गियों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगने की चांस रहती है। इनको दाना भी दिया जाता है सुबह के टाइम में और दोपहर और शाम के टाइम में। इनकी जो है डोज हिसाब से रखा जाता है। बहुत अधिक अगर इनको खिला दिया जाएगा दाना तो ये खाने की वजह से बहुत ज़्यादा दाना खा लेंगी तो भी ये मरती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में कि जो मुर्गी है वो दाना खा रही है। तो ये टाइम जो है अब मुर्गियों का दाना खाने का नहीं है। अभी जो सुबह का टाइम होता है 5 बजे, उस समय जब पड़ता है तो बहुत तेज़ी से जो है आकर के सारे दाना खाती हैं मुर्गियाँ। अभी तो फिलहाल ये वीडियो में देख पा रहे हैं सारी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। जाड़े के मौसम में रात में इन्हें गर्मी देनी पड़ती है, इसके लिए हाइलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर गर्मी बनी रहे और जो है मुर्गियाँ कम मरें। जाड़े के मौसम में इन्हें ठंड भी लग जाती है, जिसकी वजह से भी मुर्गियाँ मरती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके जो है टेम्परेचर का मेंटेनेंस किया जाता है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इसमें दाना और पानी एक साथ जो है डाला जाता है। अलग दाना जो है अलग होता है, पानी अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी है वो धीरे धीरे इसमें आता है, एक एक बूंद। जैसे जैसे पानी पिएंगी मुर्गियाँ वो धीरे धीरे पानी आ जाएगा। यहाँ पे जो पाइप लगी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में टंकी भी रखी हुई है, और यहाँ से जो है पानी की सप्लाई जाती है पाइप के रास्ते। और जो है एक एक पाइप में जो है पतली पतली पाइप लगी है, वहाँ से जो है पानी धीरे धीरे इसमें एक एक बूंद आता है, और जो है पानी धीरे धीरे इसमें भरता है। जब मुर्गियाँ पानी पीती हैं तभी एक एक बूंद गिरता है, नहीं तो फिर वो जो है पानी भरेगा नहीं। वैसे पानी जितना है उतना पड़ा रहेगा, जब पानी ख़त्म होगा फिर जो है उसमें पानी भर जाएगा। यहाँ पे दवा का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है मुर्गियों के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, उनकी बीमारियों के लिए दवा को भी जो है मिला करके जो दाना होता है उसमें दिया जाता है उनको खाने के लिए। मुर्गी फार्म के अगल बगल जो है काफ़ी सफाई रखने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके अंदर जो है सांप ना घुसे इसके अंदर। अगर सांप इसमें चला जाता है तो जो मुर्गियां होती हैं बहुत ज़्यादा मुर्गियों को काट लेता है सांप। बहुत मुर्गियों को जो है तुरंत मर जाती हैं, सांप काटते ही मुर्गियां मर जाती हैं। और देख सकते हैं वीडियो में जो साइड से है वो जाली लगा हुआ है, जाली काफ़ी बारीक जाली लगा रहता है, और कहीं से जगह नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी सांप को जाने के लिए। इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है, और जो भी मतलब नुकसानदायक प्रवेश ना करें और आपकी जो मुर्गी पालन है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो है काफ़ी साफ़ सफाई रखने की आवश्यकता होती है साइड से। और इसमें जो है समय समय से देख रेख करने की आवश्यकता होती है।
मुर्गी फार्म में चूजे डालने के बाद ये 40 से 45 दिन में मार्केट में आप इसे बेच सकते हैं। 40 से 45 दिन में तैयार हो जाते हैं अगर समय से देख रेख की गई तो। एक महीने में आप 80 से 90 हजार रुपए कमा सकते हैं। और जो है इसमें लागत जो आती है एक बार मुर्गी डालने में वो लगभग 30,000 से 35,000 रुपये तक आती है मैक्सिमम। इससे कम भी लगता है अगर आप, मैंने ज़्यादा बताया आपको, अगर जो है इस तरीके से मुर्गी फार्म की देख रेख की गई सही ढंग से तो आपकी मुर्गी फार्म कभी फ्लॉप नहीं होगी, आपकी मुर्गी फार्म जो है काफ़ी अच्छे से चलेगी। अगर आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं छोटा मुर्गी फार्म खोल करके शुरुआत करना तो आप सबसे पहले छोटा मुर्गी फार्म को खोलिए, उसके बाद उसमें जो है धीरे धीरे जब आपकी मुर्गी फार्म जो है आपको अच्छा पैसा देने लगे तब आप धीरे धीरे मुर्गी फार्म को जो है बढ़ा सकते हैं। इनके पास जो मुर्गी फार्म है ये दो मुर्गी फार्म है, ये अभी छोटा वाला मुर्गी फार्म है, एक इससे बड़ा भी इन्होंने बनवा लिया है, उसमें अभी जो है बच्चे ला करके डालेंगे, अभी बच्चे लाए नहीं है तो उस पर भी मैं वीडियो किसी दिन बना दूंगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गांव में बहुत मुर्गी फार्म है लेकिन कुछ मुर्गी फार्म चलती है, कुछ मुर्गी फार्म जो है बंद पड़ी है। देखिए उसमें कारण क्या है, उसकी सही से देख रेख, उसकी सही से पालन करने की जो विधि है वो नहीं पता है, जिसकी वजह से वो मुर्गी फार्म फ्लॉप पड़ी हुई है, यानी कि वो बंद पड़ी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं मुर्गी फार्म खोल करके। गांव के लिहाज से ये मुर्गी फार्म जो है काफ़ी अच्छा है, गांव में ये बिजनेस काफ़ी अच्छा रहता है गांव के लिए। गांव के जो किसान लोग होते हैं वो अपने गांव में इसको जो है मुर्गी पालन को शुरू कर सकते हैं। मुर्गियों में अगर कोई बीमारी आ जाती है, बहुत भयावह बीमारी आ जाती है, तो जो दवा होता है वो पानी की जो टंकी है उसमें डाल करके जो है डाला जाता है, और जो उसकी सप्लाई के द्वारा जो है पानी में जो है दवा पहुंच जाता है, और वो जो मुर्गियां होती है वो दवा वहीं से जो है पानी जब पीती हैं उनके पास उनके शरीर के अंदर चला जाता है। बहुत सी ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं मार्केट में जो मुर्गी की जो चूजे होते हैं वो आपको देती हैं, जब आप मुर्गी के चूजों को तैयार कर लेते हैं जब बेचते हैं तब उनको भी उनको पैसा देने की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या था कि लोग खरीदते थे तब तुरंत पैसा देना पड़ता था, अब तो कंपनियां सीधे आकर बात करती है कि आप हमारे जो चूजे हैं उसको लाइए, जब आपके चूजे मतलब हमारे जो चूजे हैं जब आप बेचेंगे तब आप हमको पैसे दीजिएगा। इस तरीके से जो है अब मुर्गी फार्म को जो है चलाया जा रहा है। बड़ा मुर्गी फार्म है तो आपको जो है 80 से 90 हज़ार रुपये महीने की कमाई हो जाती है, छोटी मुर्गी फार्म है तो आपकी कमाई उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से आपकी मुर्गी पालन की गई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गी फार्म की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। झूमे गाएं मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।